दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दे पाते हो। आपका पहला सवाल है, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था? आपके ऑप्शन हैं, ए भारत ने, बी रूस ने, सी जापान ने, डी अमेरिका ने। इसका सही जवाब होगा ए भारत ने। आपका दूसरा सवाल है, भारत का सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ए गंगा नदी को, बी यमुना नदी को, सी कृष्णा नदी को, डी सरयू नदी को। इसका सही जवाब होगा ए गंगा नदी को। आपका तीसरा सवाल है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपका ऑप्शन है, ए कान से, बी आंख से, सी हृदय से, डी नाक से। इसका सही जवाब होगा सी हृदय से। आपका चौथा सवाल है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? आपके ऑप्शन हैं, ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए विटामिन सी। आपका पांचवा सवाल है, कौन से जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है? आपके ऑप्शन हैं, ए भालू का, बी शेर का, सी ऊंट का, डी दरियाई घोड़ा का। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दरियाई घोड़ा का। आपका छठवां सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपके ऑप्शन हैं, ए बिहार राज्य में, बी उत्तर प्रदेश राज्य में, सी तेलंगाना राज्य में, डी अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसका सही ऑप्शन है डी अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आपका सातवां सवाल है, किस देश से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? आपके ऑप्शन हैं, ए पाकिस्तान, बी भारत, सी नेपाल, डी चीन। इसका सही जवाब होगा ए पाकिस्तान। आपका आठवां सवाल है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, ए मंगल ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी बुध ग्रह, डी शुक्र ग्रह। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी बृहस्पति ग्रह। आपका अगला सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? आपके ऑप्शन हैं, ए चांदी का, बी सोना का, सी तांबा का, डी लोहा का। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तांबा का। आपका दसवां सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ए कोसी नदी को, बी गंगा नदी को, सी नर्मदा नदी को, डी सोन नदी को। दोस्तों, इसका सही जवाब है ए कोसी नदी को। आपका ग्यारहवां सवाल है, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? आपके ऑप्शन हैं, ए पीपल, बी जामुन, सी नीम, डी आम। इसका सही जवाब होगा सी नीम। आपका बारहवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है?
आपके ऑप्शन हैं ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी इलाहाबाद बैंक। इसका सही जवाब है बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका 13वां सवाल है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी सऊदी अरब, डी भारत। दोस्तों इसका सही जवाब है सी सऊदी अरब। आपका अगला सवाल है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? आपके ऑप्शन हैं ए हाथी के, बी भालू के, सी हिरण के, डी ऊंट के। इसका सही जवाब होगा ए हाथी के। आपका 15वां सवाल है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? आपके ऑप्शन हैं ए कोयल का, बी तोते का, सी मुर्गी का, डी शुतुरमुर्ग का। इसका सही जवाब है डी शुतुरमुर्ग का। आपका अगला सवाल है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? आपके ऑप्शन हैं ए आइसलैंड में, बी चीन में, सी कांगो में, डी नॉर्वे में। इसका सही जवाब होगा डी नॉर्वे में। आपका 17वां सवाल है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए पीछे करना, बी चकित करना, सी बहाना करना, डी इशारा करना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी चकित करना। आपका 18वां सवाल है, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? आपके ऑप्शन हैं ए गाय के, बी भैंस के, सी ऊंट के, डी भेड़ के। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी भेड़ के। आपका अगला सवाल है, दिमाग तेज करने के लिए रोज सुबह क्या खाना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए चना, बी दाल, सी पपीता, डी पालक। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी पालक। दोस्तों पालक एक ऐसा सब्जी है जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और आयोडीन पाया जाता है, जिसको रोज सुबह खाने से दिमाग तेज होता है। आपका अगला सवाल है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए नाइजीरिया देश में, बी तिब्बत देश में, सी मिस्र देश में, डी चिली देश में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी चिली देश में।